हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लावण्या, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नीट का, जो कि है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है, और एक ट्रेन अप्रोच कर रही है स्टेशन पर हॉर्न बजाते हुए। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेन जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें साउंड कैसे सुनाई देगा? इनिशियली जैसे जैसे ट्रेन आपकी तरफ आएगी तो आपको साउंड बढ़ता हुआ सुनाई देगा, और जैसे ही वो ठीक आपके सामने होगी मैक्सिमम लाउडनेस पे साउंड होगा, और जैसे ही फिर दूर जाने लगेगी साउंड धीरे धीरे कम होगा एंड फाइनली वैनिश हो जाएगा। तो यही डॉपलर इफेक्ट है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है उसका बढ़ना और घटना, यही हमारा डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब जो पूरा डॉपलर इफेक्ट है ये एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, जो कि ये एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन V प्लस माइनस वी एस। समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या है। एफ डैश क्या होता है? एफ डैश इज द न्यू फ्रीक्वेंसी जो कि अपनी डॉपलर इफेक्ट की वजह से आएगी। एफ इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। वी हियर, वी क्या है यहाँ पर? स्पीड है, इसकी साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि जनरली कितनी होती है? 340 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, वी ओ क्या है? ऑब्जर्वर स्पीड, एंड वी एस इज स्पीड ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब ये वी ओ अपॉन वी एस याद करने का एक तरीका आप ध्यान में ये भी रख सकते हैं कि ऑफिसर हमेशा एक ऑफिस में ऊपर होता है और सर्वेंट हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वी वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, अब पूरे डॉपलर इफेक्ट में अपने जो है चार बेसिक केसेस बनते हैं जो कि अपने को पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है? मान लीजिए कि ये सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है हमारा वो तो है अपना रिस्ट के ऊपर, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है। इस केस के अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी, अब देखिए, प्लस माइनस वी ओ, ये जो है ऑब्जर्वर की जो स्पीड है यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इसको, वी ओ जो कि कितनी है? जीरो, क्योंकि वो है रेस्ट पर। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे, वी ओ कितना हो गया? जीरो, और ये कितनी है? वी एस। ठीक है, तो अब अपने को मेन चीज क्या समझनी है इसके अंदर, देखिए कि सोर्स की स्पीड हम इसके अंदर अब कैसे रखेंगे। अब देखिए सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है, तो इनऑल जो हमारी नई लाउडनेस होगी साउंड की वो लाउडनेस बढ़ेगी, तो हमें ये जो इनऑल पूरा फ्रैक्शन है इसे बढ़ाना है। फ्रैक्शन अगर बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कम करोगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, वी माइनस वी एस, क्योंकि सोर्स नीचे होता है। आया समझ? देखिए अगला केस समझिए और इससे क्लियर होगा। मान लीजिए अभी सोर्स रेस्ट पर है और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी होगी? नहीं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, बताइए वी। अब ऑब्जर्वर जो है ये सोर्स की तरफ बढ़ रहा है तो इनऑल लाउडनेस बढ़ेगी। लाउडनेस बढ़ाना है यानी हमें पूरा फ्रैक्शन बढ़ाना है। पूरा फ्रैक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। यहाँ पर जो हमारा सोर्स है उसकी स्पीड कितनी है? जीरो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे जो चीज अप्रोच करेंगे, दो चीज अगर अप्रोच करेंगी तो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, है ना? ये आप नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसी हिसाब से फ्रैक्शन एडजस्ट करना है। नेक्स्ट केस देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये मान लीजिए आपका सोर्स है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारी जो नई वेलोसिटी निकल करके आएगी, सॉरी नई फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी वो कितनी होगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब अपने को क्या करना है, इनऑल दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर से वही बात, अपने को पूरा फ्रैक्शन बढ़ाना है। फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर को बढ़ाना होता है और डिनोमिनेटर को कम करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, समझे? और लास्ट केस जो है हमारे चारों बेसिक केसेस में से वो क्या है, मान लीजिए ये आपका है सोर्स, ये है आपका ऑब्जर्वर और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखिए अब इनऑल ये जो है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो लाउडनेस क्या होगी? कम। लाउडनेस अगर हमें कम करनी है तो हमें फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा? कम। और अगर हमें फ्रैक्शन कम करना है तो न्यूमरेटर जो है उसको कम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड का, अब जो है मल्टीपल बढ़ा रहे हैं डिवाइड का, तो इसकी वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल फोर सिचुएशन, जो चारों बेसिक केस मैंने बताया आपसे, कोई क्लियर हो गए होंगे ये चारों? अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप डॉपलर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अपने को दो चीजें और पढ़नी है, थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो सोर्स है, सोर्स मूव्स
परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्वर, या इसका उल्टा, ऑब्जर्वर जो है सोर्स के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, परपेंडिकुलर जा रहा है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखिए, परपेंडिकुलर कोई चीज जाएगी तो साउंड में कोई थोड़ी ना फर्क आएगा। ठीक है, तो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नीट में पूछा गया है ये एक बार। और एक केस और आता है नीट में, बार बार देखा गया है, वो है इको का, यानी रिवर्बरेशन साउंड कैसा। देखिए, मान लीजिए ये एक पहाड़ है और ये आपकी एक कार है ना, कार जो है हॉर्न बजाते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी, इसने ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की वो कितनी थी, एफ। तो अब वो पूछेगा कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है तो बताओ ड्राइवर को कौन सी साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे समझना है। एफ डैश इज इक्वल टू एफ, बताए अब सोर्स क्या कर रहा है। पहली बात तो मुझे बताओ, जो अपना सोर्स है वो अभी सोर्स जो है हमारा क्या है, कार, और टेम्परली हम ऑब्जर्वर किसको मान रहे हैं अभी, इस पहाड़ को। दरअसल हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वर कौन है, ड्राइवर, जो कि इसी कार के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट केस जो है, दो केस मानेंगे इसमें, फर्स्ट केस जो है उसके अंदर मैं क्या मान रहा हूँ, इको नहीं है, नो इको है ना, वो वाला केस मान रहा हूँ। और सेकेंड केस में मैं क्या मान रहा हूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इको, पहाड़ से जो आवाज टकरा करके वापिस आएगी कार की तरफ उसकी वजह से। तो फर्स्ट केस में मुझे बताओ ऑब्जर्वर अपन किसको बोल रहे हैं, पहाड़ को। तो अब मुझे बताओ सोर्स की जो स्पीड है वो, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है इन ऑल, तो अपने को फ्रैक्शन बढ़ाना है। तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, सोर्स के लिए v माइनस वी एस तो लिख ही देंगे अपन। इसके अलावा अब जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है ना, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है तो पहाड़ और कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है, वो डिस्टेंस कम हो रहा है। तो जब ये रिवर्ब होगा, यहाँ से जब ये साउंड वेव्स इस पे टकराएंगे और ये वापस से रिवर्ब होंगी इस तरफ कार की तरफ, तो उस केस में जल्दी से कार पे पहुंच जाएंगे अगर कार पहाड़ की तरफ बढ़ रही है। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे कि नाउ दिस क्लिफ या माउंटेन इज एक्टिंग एज अ सोर्स, कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसके लिए अब सोर्स कौन बन गया है, ये क्लिफ। तो अब क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इन ऑल अपने को फ्रैक्शन बढ़ाना है, तो अपन यहाँ कर देंगे वी प्लस वीओ। ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस एवरीथिंग, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी नीट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको एक पीडीएफ की लिंक अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। ये नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आई एम पिनिंग माई टेलीग्राम लिंक ऑल्सो, तो आप डायरेक्टली वहां से मुझसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न है। ऑलराइट, तो ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, डू शेयर इट with your friends, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। And if you really like this series and this particular video, please give it a like and don't forget to subscribe the channel. ठीक है, और अपना notification icon भी click कर लें, क्योंकि अगला video जैसे ही आएगा आपको update नहीं मिलेगा ऐसे। आप notification icon को करेंगे तो you will immediately get a update कि मेरा नया video आ गया। All right, thank you all, signing off.